वाइटल वाई आईक्यू मिठल आईक्यू मिठल आ गया भाई ये बंदे बात गेम के बंदे वाइटल आ गया वाइटल वाई भाई हमारा अरे भाई सुन दो नंबर भाई मेरा प्ले और आगे आप देखना होगा कि हम उनको मार पाते हैं क्या। तो अभी हम सीधा जा रहे थे पूछेंगे, अभी हमें नहीं पता कि वो लोग कहाँ उतरने वाले। हम जैसे अपना प्लेन पाथ फॉलो करके थोड़ा यहाँ पर पूछेंगे आ रहे थे और हमने सोचा था कि शायद गेम आएगा लेकिन वो कहीं और गए थे। जैसे मुझे यूज़ मिलती है मैं इस बंदे को रश कर देता हूँ, उसको खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे आके मैं थोड़ी सी हीलिंग करता हूँ अपनी। ओके जैसे मुझे आगे से थोड़े फुटस्टेप आ रहे थे तो मैं उनकी तरफ रश करने जाता हूँ। अब रेंडा पे तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकता था, इसलिए जो भी था मैं ऑलमोस्ट अकेले ऐसे खेलता था कि मुझे अपना ही जो अपने आप को कवर देना है। अब किसी बंदे को नॉक करके छोड़ तो सकते नहीं कस्टम रूम के अंदर, तो उसको मैं पूरे फिनिश कर देता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्लेक्शन दिखा के मैं बच जाता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं चेक करने के लिए आके गया था और मार दिया था, लेकिन यहाँ पे इस नंबर टू ने मेरे को यहाँ पे अड़ा दिया था, लेकिन किसी तरह बच गया। थोड़ा हील करता था यहाँ पे बचन की और कोई भी नहीं था, तो हम यहाँ से सीट इधर गाड़ी देके निकलते हैं। इनमें से कोई लेजेंड एक्स के स्ट्रीम चला के बैठा था पीछे। सही फोन है बनी के पास, तो भी M16 है, दोनों M16 है उसके पास। अरे स्ट्रीम मैं स्ट्रीम देखता हूँ कहाँ है भाई, बिल्कुल बता तू। स्ट्रीम और सब बिल्कुल इसी जगह से घर में बैठा है, फाइट चल रही है, क्या बताना। स्ट्रीम जाओ भाई, फाइट खेल रही है उधर इनके पास। और जैसे ही यहाँ पे प्रिमोस की तरफ जा रहे होते गाड़ी लेके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आगे तीन गाड़ियाँ लेके जा रही थी। वो तीन गाड़ी भाई इधर ही देख रहे हो, अब रोक ले रोक ले रोक ले, इधर ही देख रहे हैं, इधर है वो बंदे, रिमोसोर के साइड देख रहे हैं भाई, एलाइजर टेरिफाइड है। हाँ इधर ही देख रहे हैं वो, एलाइजर टेरिफाइड ले रहे हैं इस पहाड़ी पे। अब यहाँ पे नंबर टू हमें कहते हैं कि यहाँ पे ये लोग यहीं पे पहाड़ी पे फाइट ले रहे थे, मैं यहीं पे गाड़ी रोक देता हूँ, ये कहीं वो हमें गाड़ी से उतारते हैं। लेकिन इन लोगों की वजह से हमें लूट जाते हैं, मैंने बोलता गाड़ी में बैठो गाड़ी में बैठो, लेकिन ये लूटने में लगे। नहीं है भाई अगर ये लोग यहाँ पे हमें बात सुन लेते गाड़ी में बैठ जाते तो शायद जाके हम उन्हें मार देते। चलो भाई
देखिए स्पेक्टेट कर रहे हो लक्की मर गए लक्की हेलो लक्की भाई हेलो तो मैंने की मार दी अब हमें साइड में स्पेक्टेट कर रहे हैं दूसरे में ही टकरा गया भाई जरा वो कहां हो तुम यार मैं गेम एक्स प्रो से एक दूसरे में ही टकरा गए अरे पूरा भाई हेलमेट भी नहीं था मेरे पे तो कितने बंदे आ गए एमओ भी नहीं है यार ये आते जा रहे हैं स्ट्रीम देख के आ रहे हैं ये वाइटल भाई आप देख सकते दोनों से थे क्योंकि दोनों मेरे को जानते हैं अब यहाँ पर हमें उनसे फाइट लेने का मौका तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे मजे बहुत है अब ये जो थे नंबर टू और नंबर थ्री उनसे बात करने का ट्राई कर रहे थे वॉल पे लेकिन वो जा चुके थे मैं तो आगे स्पोर्ट से पाते थे मैं आगे की तरफ रश करता हूँ थ्री स्टोरी में अभी मैं आगे रश करे जा रहा था और ये दोनों पता नहीं कहाँ बिजी थे अपना और मैं जैसे आगे रश करता था देखो अब यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा ऊपर में आ चुका था और जैसे मेरे को रियलाइज हो गया मैं थोड़ा पीछे जाऊँ लेकिन मैं नहीं जा सकता था क्योंकि मेरे पीछे पहाड़ी पे ही बंदे आ चुके थे अब यहाँ पे मेरे को इसकी शॉट गन पड़ जाती है और मैं पीछे भी नहीं जा सकता था क्योंकि पीछे से पड़ रही है डीपी अब मैं यहाँ पे नंबर थ्री को कहता हूँ कि भाई स्मोक कर दे लेकिन वो सुनता ही नहीं मेरे वो अपने खेलने में बिजी था मैं उसको कह रहा था स्मोक कर दे लेकिन वो कर ही नहीं रहा था स्मोक यहाँ पे मेरे को ईजी रिवाइव दे सकता था लेकिन वो आगे फाइट लेने चला गया सो वो सोच रहा था कि इसको मार के रिवाइव दूंगा लेकिन वहाँ पे आगे देखो जिससे के साथ यहाँ पर हमारा मैच खत्म हो जाता है जो भी हमें उनसे फाइट लेने का मौका तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे मज़े बहुत है